तो दोस्तों आप लोग का बहुत ज़्यादा वीडियो पर कमेंट आ रहा था कि आप लोग बता रहे थे मैंने डाला था अमेजॉन पे से कैसे आप जो है एफ पे के थ्रू जो है जो ऐप मैंने बताया था ये एफ पे है तो इसके थ्रू मैंने बताया था कि आप लोग कैसे जो है अपने बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हो डायरेक्टली। तो आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट ये आया कि वहाँ पर अमेजॉन पे का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग जो है सबसे पहली गलती तो ये करते हो कि पूरा वीडियो आप लोग ठीक से वॉच नहीं करते, क्योंकि आप अगर एफ पे को आप अगर यहाँ पर मान लो ओपन करोगे तो सबसे पहले देखो एफ पे पे यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट आता है एफ पे का, डियर कस्टमर ऐड मनी सर्विस फ्रॉम अमेजॉन पे हैज बीन स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्या था कि एफ पे जो है यहाँ पर अमेजॉन पे के मनी को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैंने इसके बारे में उस वीडियो में बताया था, पर आप लोग पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते हो ठीक से, जिसके कारण जो है आप लोग जो है यहाँ पर उसको नहीं कर पाते हो। तो आज मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ कैसे जो है आप लोग जो है यहाँ से अमेजॉन पे के बैलेंस को ऐड करके उसको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों तो आज भी मैं आपको बोलना चाहूँगा वीडियो को देखने से पहले कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना था कि आपको थोड़ा सा भी कहीं पर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, उसके बाद वीडियो को समझना ठीक से, तो इससे क्या होगा कि आप ही को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है अमेजॉन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, इससे आपको सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस एप पे के ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर काम है केवाईसी कंप्लीट करना, क्योंकि यहाँ पर आप केवाईसी नहीं करवाओगे तो आप यहाँ पर और कोई काम नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपको करना क्या है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी मेरे में ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास वेरीफाइड का टिक लगा हुआ है, इसका मतलब मैंने केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो केवाईसी का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर एक ई केवाईसी लिखा हुआ रहता है, तो ई केवाईसी पर जैसे क्लिक करोगे तो एक वहाँ पर आप अगर मेरे जो एफ पे पर मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने केवाईसी के बारे में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को एक बार जाकर वॉच कर लेना, चूँकि मैं इस पर बता नहीं पा रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि आप जब जाओगे क्रोम पे वो रिडायरेक्ट कर देगा, तो जब आप क्रोम पे जाओगे तो क्रोम पे जाने के बाद वहाँ पर आपका आधार नंबर ये सब पहले से फिल किया हुआ रहता है, क्योंकि यह अकाउंट आधार नंबर से ही बनता है। तो वहाँ पर आपसे आधार नंबर देखकर आपको वहाँ पर एक ओटीपी मांगा जाता है और एक 4 डिजिट का शेयर कोड दिया जाता है, तो आप कोई भी 4 डिजिट का शेयर कोड वहाँ पर दे सकते हो और ओटीपी फिल करके आपको केवाईसी वहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर अब है मेन पॉइंट, अब आपको यहाँ पर समझना है कैसे जो है आप यहाँ पर जो है अमेजॉन पे के बैलेंस को, सबसे पहले आपको यहाँ के बैलेंस का आप देख सकते हो कि मेरे एप पे के बॉलेट में 10 रुपीज़ है। तो अमेजॉन पे पे आपको जितना भी बैलेंस है आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर देख रहे हो नीचे ऐड का ऑप्शन है, ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है अगर आप इस पर क्लिक करोगे, मान लो मैंने 500 का यहाँ पर ऐड किया है और यहाँ पर मैं ऐड मनी करता हूँ, ठीक है। तो ऐड मनी जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपको अमेजॉन पे का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वीडियो का भी लास्ट तक देखना, अभी मैंने पूरा कुछ बोला नहीं है, पूरा सुन लेना। मैंने अभी बोल दिया अमेजॉन पे का नहीं मिलेगा का मतलब नहीं मिलेगा ये नहीं, देखो यहाँ पर यहाँ पर कार्ड UPI नेट बैंकिंग, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, मान लो आपको 500 का भी रिचार्ज करना है, तो आपको यहाँ पर ऐड मनी पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब आप ऐड मनी पर क्लिक करने जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है कार्ड UPI वॉलेट एंड नेट बैंकिंग ये 4 ऑप्शन, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है जो कि है वॉलेट का। वॉलेट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे वॉलेट हैं, अमेजॉन पे, एयरटेल मनी, फ़ोनपे, ओला, फ्री रिचार्ज, मोबीक एंड रिलायंस जियो मनी। तो अमेजॉन पे पे आपको रिडायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आप देखते हैं ये पेज जो है आपको अमेजॉन पे चल जाएगा। तो आपके अपने सिंपली अपने जो है अपने अमेजॉन अकाउंट को लॉगिन करना है एंड वहाँ से अपने जितने भी पैसे हैं उनको ट्रांजेक्शन करके अपने एफ पे मनी वॉलेट में आपको यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र करवा लेना है। ट्रांसफ़र कर लेने के बाद सिंपली आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, UPI, एफ पे, टू अकाउंट एंड वॉलेट। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन पे से आपको क्लिक करना है वॉलेट वाले सेक्शन में। वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ आपको फिलअप करने हैं, जैसे सिलेक्ट वॉलेट है तो आपको ये अमाउंट जो है कहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन मिलता है, या तो पेटीएम या तो अमेजॉन पे। तो अमेजॉन पे से ही भैया मैंने अभी पैसा निकालने के पैसा यहाँ पर ऐड किया है, तो फिर मैं क्यों अमेजॉन पे में भेजूँगा। तो चलो पेटीएम पे क्लिक करते हैं, फिर नंबर आपको भर देना है, अपने पेटीएम का नंबर आपको भर देना है, नेम आपको दे देना है, अमाउंट दे देना है, और याद रखना है दोस्तों रिमार्क ज़रूर देना। यहाँ पर 4 आपको डिजिट का रिमार्क देना रहता है, 4 से ज़्यादा होगा तो ही यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल होता है। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड बूम का पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा पेटीएम में। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अमेजॉन पे बैलेंस को
ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बैंक पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक अकाउंट में यहाँ पर नहीं कर सकते हो आप डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन दिया नहीं, यहाँ पर कर सकते हो, सॉरी मैंने भी गलती बोल दिया। अब यहाँ पर UPI ऐप पे तो अकाउंट तो है ही, तो अकाउंट अगर बैंक पे आपको क्लिक करना है तो अकाउंट पे आप चल जाना, और अगर UPI के थ्रू आपको करना है तो UPI पे कर लेना, आपको यहाँ से जो है आप यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेटीएम पे कर लेना पेटीएम पे कर लेना, यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन मस्ट आपको याद रहे KYC कराना यहाँ ज़रूरी है, KYC नहीं कराओगे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अच्छा एक दोस्तों और भाई, यहाँ पर एक बात बता देता हूँ ना, तो फिर आप लोग बोलोगे कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि मान लो अगर आप यहाँ पर अपनी ID भुला जाते हो, यहाँ पर जब आप करने जाओगे, यहाँ पर जब पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ से आपको 4 डिजिट का MPIN मांगता है, तो अगर आप वो भुला जाओ ना तो यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना ऊपर पे अपने नाम पे, तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड MPIN है, इस पर क्लिक कर देना, तो आप जो MPIN है वो आपको मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा कि आपका MPIN है, उसको डाल के आप अपना करवा लेना, ठीक है। तो ये अगर भूल जाओ तो मैंने आपको बता दिया कि आप कर लेना। और दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको जो है और ज़्यादा अर्निंग करनी है, पैसों की अगर ज़रूरत है, तो आपके यहाँ पर एक ऐप है जिसका नाम है HappyBox, ये बहुत ज़्यादा टाइम पे जो है अर्निंग दे रही है, अर्निंग प्रोवाइड करा रही है। इसमें आप बहुत ही जल्दी जो है टास्क को कंप्लीट करके यहाँ पर हाई टास्क पे आपको पे करती है, हाई पेमेंट ये ऐप है, जहाँ पर छोटे छोटे टास्क को करके हाई पेमेंट आप यहाँ से रिसीव कर सकते हो। तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करना जरूर, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। इस ऐप के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसकी भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको चेक इन करना ना भूलें। इस ऐप से आप बहुत सारे यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो और तुरंत रिडीम भी पा सकते हो अपने पेटीएम अकाउंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।